सलमान खान और विद्युत जामवाल के बीच होगी कड़ी टक्कर। जी हाँ, बताना चाहेंगे आज बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई। एक तरफ है विद्युत जामवाल की फिल्म जंगली, वहीं दूसरी ओर सलमान खान के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म नोटबुक। ये दोनों फिल्में अलग अलग कहानी और कंसेप्ट पर आधारित है और बताना चाहेंगे ये दोनों फिल्में आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। विद्युत जामवाल की फिल्म जंगली की बात करें तो जंगली फिल्म में हमें उनका एक्शन एडवेंचर देखने को मिल रहा है। बताना चाहेंगे विद्युत जामवाल बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता है जो की काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और उनकी फिल्मों में हमें भरपूर एक्शन देखने को मिलता है। जंगली फिल्म में भी हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। बताना चाहेंगे विद्युत जामवाल की इस फिल्म को लोगों के द्वारा काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और जंगली फिल्म का डायरेक्शन हॉलीवुड डायरेक्टर चक रसल ने किया है। फिल्म के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिला है जिसके बाद माना जा रहा है इसे अच्छी ओपनिंग मिलेगी और 2 से 3 करोड़ का बिजनेस ये अपने ओपनिंग डे में करती नजर आ सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो जंगली का बजट करीब 45 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सलमान खान के प्रोडक्शन की फिल्म नोटबुक की बात करें तो एक रोमांटिक म्यूजिकली फिल्म है। सलमान खान एक बार फिर से 2 न्यू कॉमर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। एक तरफ है परनूतन महल और जहीर इकबाल। इन दोनों ही नए चेहरों को सलमान खान अपनी फिल्म नोटबुक के जरिए बॉलीवुड की फिल्मों से रूबरू कराने जा रहे हैं। बताते चले परनूतन एक्टर मोनिश बहल की बेटी हैं और नितिन कक्कड़ ने नोटबुक का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी कश्मीर के इर्द गिर्द बुनी गई है। बॉलीवुड सेलेब्स ने फिल्म की तारीफ की है और अब देखना होगा कि दर्शक इसे कितना ज्यादा पसंद करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटबुक पहले दिन 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। दोस्तों ये थी वो दो बड़ी फिल्में जो फिल्में आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हैं। एक तरफ है विद्युत जामवाल की फिल्म जंगली, वहीं दूसरी तरफ है सलमान खान के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म नोटबुक। दोनों फिल्मों की कहानी और कंसेप्ट काफी अलग है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दर्शक भी इन दोनों फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा असमंजस में हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही फिल्मों में दर्शकों को कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपकी क्या एक्साइटमेंट है इन दोनों फिल्मों को लेकर और आपको इन दोनों फिल्मों को लेकर क्या कहना है, नीचे देंगे कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। अक्षय की फिल्म केसरी ने रच दिया बड़ा इतिहास। जी हाँ, बताना चाहेंगे साल 2019 के 21 मार्च यानी होली के अवसर पर फिल्म केसरी रिलीज हुई थी। वो केसरी फिल्म के जरिए अक्षय कुमार ने एक बड़ा इतिहास कायम कर दिया है। बताना चाहेंगे केसरी फिल्म को रिलीज हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और फिल्म ने 7वें दिन के बाद 100 करोड़ के कलम में अपनी जगह बना लिया। जी हाँ, केसरी फिल्म ने 7 दिन के भीतर ही 100 करोड़ के कलम में अपनी जगह बना ली है और यही वो बड़ा इतिहास है जो साल 2019 में अक्षय कुमार की फिल्म केसरी ने कायम किया है। इसके अलावा आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे अक्षय ने इस मामले में अजय देवगन और रणवीर सिंह को भी पीछे कर दिया है। बताना चाहेंगे रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय ने 8वें दिन 100 करोड़ के कलम में अपनी जगह हासिल की थी। वहीं दूसरी ओर टोटल धमाल ने 9वें दिन 100 करोड़ के कलम में शामिल हुई थी और ऐसे में केसरी फिल्म ने महज 7 दिन के अंदर ही 100 करोड़ के कलम में अपनी जगह बना ली है और इस हिसाब से खिलाड़ी अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन दोनों ही अभिनेताओं पर भारी पड़े हैं। बताना चाहेंगे केसरी फिल्म की कहानी लोगों के दिलों को छू रही है। केसरी फिल्म सारागढ़ी के युद्ध पर आधारित है जिस युद्ध में 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगान सेनाओं को धूल चटाई थी और इसी की शोर गाथा फिल्म केसरी में देखने को मिल रही है। केसरी फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट परिणीति चोपड़ा नजर आ रही हैं और फिल्म का कंटेंट भी लोगों के दिलों को छू रहा है और यही बड़ा कारण है कि फिल्म आज भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित हो रही है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम आपकी भी राय लेना चाहेंगे, आपको फिल्म केसरी कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। लव रंजन की अगली फिल्म का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों लव रंजन की अगली फिल्म काफी मायनों में खास होने जा रही है क्योंकि स्टार कास्ट की जब से घोषणा हुई तब से ही फैंस भी इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताना चाहेंगे लव रंजन कॉमेडी से भरपूर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं लेकिन इस बार वो दर्शकों की थाली में कुछ नया परोसने वाले हैं। जी हां, आपने सही सुना, इस बार लव रंजन अजय देवगन और रणवीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण को लेकर एक एक्शन पैक्ड फिल्म बनाने वाले हैं। फिलहाल इस फिल्म का टाइटल अभी सामने नहीं आ पाया है लेकिन जानकारों का कहना है कि इस फिल्म में अजय रणवीर के अलावा दीपिका पादुकोण का हमें काफी बेहतरीन तरीके से रोल देखने को मिलेगा और ये फिल्म काफी मायनों में खास होने जा रही है। बताना चाहेंगे अजय और रणवीर की जोड़ी हमें पहली बार इस फिल्म में देखने को मिलेगी। वहीं पर रणवीर कपूर पहली बार किसी एक्शन फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब तक उनकी छवि एक चॉकलेटी बॉय के तौर पर बनी रही है लेकिन लव रंजन की इस फिल्म के जरिए वो एक एक्शन पैक्ड फिल्म बनाने वाले हैं जिस फिल्म में अजय देवगन, रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण की हमें बेहतरीन भूमिका देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है फैंस भी इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुनील शेट्टी के खिलाफ भेजा गया लीगल नोटिस। जी हां, बताना चाहेंगे सुनील शेट्टी जो कि बॉलीवुड के फिल्मों से एक लंबे समय से गायब हैं, उनके खिलाफ एक कानूनी नोटिस बॉलीवुड के एक निर्माता ने भेजा है। बताना चाहेंगे इन दिनों सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी की फिल्म मोतीचूर चकनाचूर में नजर आने वाली है और इस फिल्म में वो लीड एक्ट्रेस के तौर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ दिखेंगी लेकिन इस फिल्म को लेकर सुनील शेट्टी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लेकिन अब फिल्म में अथिया के रोल की लंबाई को लेकर राजेश भाटिया जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं और सुनील
शेट्टी के बीच कई बार विवाद हो चुका है और अब सुनील शेट्टी के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजकर राजेश ने इस विवाद को एक नया मोड़ पहुंचा दिया है। राजेश भाटिया जो कि मोतीचूर चकनाचूर फिल्म के निर्माता हैं, उन्होंने बार बार सुनील शेट्टी को इस फिल्म में तंग करने के लिए आरोप लगाया है, इसलिए उन्होंने कानूनी नोटिस भेजकर कानून का सहारा लिया है कि बार बार सुनील शेट्टी मुझे परेशान कर रहे हैं। बताना चाहेंगे अथिया शेट्टी ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत हीरो फिल्म से की थी, हालांकि हीरो फिल्म उस हिसाब से खास कमाल नहीं कर पाई और इसके बाद अथिया शेट्टी का करियर डगमगा रहा है। ऐसे में सुनील शेट्टी भी उनके करियर को लेकर काफी ज्यादा चिंताजनक है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा सीरियस है और फिल्म के निर्माता राजेश भाटिया को लेकर उनका एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसके खिलाफ राजेश भाटिया ने उन्हें एक कानूनी नोटिस भी भेज दिया है। बॉलीवुड के गलियारों में एक लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्दी एक दूसरे से शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं। बताना चाहेंगे कि मीडिया के कैमरों में अक्सर इन दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया है और लेट नाइट डिनर पार्टी में भी इन दोनों को एक साथ देखा है। कई बार एयरपोर्ट पर भी ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए नजर आए हैं, जिसके बाद ही मीडिया में लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि आखिर ये दोनों कब शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों अब जो खबर सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि जल्दी मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जी हां, शादी की तारीख का ऐलान हो गया है और सूत्रों की माने तो मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर 19 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बताना चाहेंगे शायद मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं और उनकी शादी में मेहमानों की लिस्ट भी आ गई है। बताना चाहेंगे करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े सुपरस्टार उनकी शादी में शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं। बताना चाहेंगे मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के रिलेशनशिप को लेकर सुपरस्टार सलमान खान काफी दिनों से परेशान है और कई बार सलमान खान ने अर्जुन कपूर को इग्नोर भी किया है, लेकिन अर्जुन कपूर जो है मानने वाले नहीं। और अब जो खबर सामने आई है जिसमें यह बताया गया कि 19 अप्रैल को मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वेल दोस्तों, देखना वाकई दिलचस्प साबित होगा कि आखिर कब ये दोनों अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक पुष्टि करेंगे। इसी के साथ ही आपकी इस बारे में क्या राय है और इस खबर पर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। लव रंजन जो कि कॉमेडी से भरपूर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, उनकी जितनी भी कॉमेडी से भरपूर फिल्में आई है उन सभी फिल्मों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। वो रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले सफल निर्देशकों में से एक माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब लव रंजन की अगली फिल्म का दर्शकों द्वारा काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि लव रंजन की अगली फिल्म की स्टार कास्ट काफी दमदार है। जी हां, एक लंबे समय के बाद रणवीर कपूर और अजय देवगन की जोड़ी हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी। साथ ही लव रंजन की इस फिल्म में इन दोनों अभिनेताओं के अलावा दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली। फिलहाल फिल्म के टाइटल अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन बताया जा रहा है ये एक्शन पैक्ड फिल्म होने वाली है। जी हां, लव रंजन इस बार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के अलावा एक एक्शन पैक्ड फिल्म बनाने वाले हैं, जिस फिल्म में अजय देवगन और रणवीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बताया गया ये फिल्म साल 2019 के अंतिम महीने तक फ्लोर पर चली जाएगी और साल 2020 के मिड तक ये फिल्म शायद रिलीज भी हो सकती है। फिलहाल इस फिल्म से जुड़ी बाकी डिटेल सामने नहीं आ पाई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रणवीर कपूर और अजय देवगन के साथ अगर दीपिका पादुकोण इस एक्शन पैक्ड फिल्म में होंगी तो जाहिर सी बात है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी, क्योंकि रणवीर कपूर की ये पहली एक्शन फिल्म होगी। इससे पहले रणवीर कपूर की छवि चॉकलेटी बॉय रही है, ऐसे में उनका एक्शन रफ्तार में देखना दर्शकों के लिए वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है। वही दूसरी ओर अजय देवगन के वर्क फ्रंट की बात करें तो अजय देवगन कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। दे प्यार दे, तानाजी दी अनसंग वॉरियर जैसी कई बड़ी फिल्में हैं जिन फिल्मों में उनका एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। वही दूसरी ओर रणवीर कपूर की बात करें तो रणवीर कपूर इन दोनों ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी के साथ ही दीपिका की बात करें तो दीपिका का अभी हाल ही में छपाक फिल्म से फर्स्ट लुक जारी हुआ था और इस फिल्म में वो एक एसिड सर्वाइवर का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है और लव रंजन की इस फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।
बॉलीवुड अभिनेता जॉनी ब्राहन की बात करें तो उनका प्रेम हमेशा से ही बाइकों के प्रति रहा है। बताना चाहेंगे कि बाइक्स को लेकर जॉनी ब्राहन का प्यार जग जाहिर है। उनके पास दुनिया की शानदार बाइक्स का कलेक्शन भी है। बाइक्स की तरफ खास प्रेम के चलते अब वो बाइक रेस पर आधारित फिल्म बनाने जा रहे हैं। वो अजय कपूर की अनटाइटल फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर रेंसिल डी सिल्वा होंगे। बताना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर बुधवार को जॉनी ब्राहन ने एक आधिकारिक बयान दिया है, जिस बयान में उन्होंने कहा, 2 साल पहले मेरे दिमाग में बाइक्स पर आधारित फिल्म बनाने का ख्याल आया था। मुझे बाइक्स बेहद पसंद है, इसलिए मैंने इस विषय पर फिल्म बनाने का फैसला किया है। 2 साल की रिसर्च के बाद एक अच्छी कहानी बनकर तैयार है। मुझे खुशी है कि इस प्रोजेक्ट से अजय और रेंसिल जुड़े हैं। फिल्म के सभी एक्शन सीन स्ले ऑफ मैन में शूट होंगे। इस जगह को रेसिंग घर भी कहा जाता है। बताना चाहेंगे जॉनी ब्राहन को जब भी खाली टाइम मिलता है वो अपने बाइक्स पर मुंबई के खुली सड़कों पर उतर जाते हैं। और बताना चाहेंगे दुनिया की महंगी से महंगी बाइकों का शानदार कलेक्शन उनके पास है और इसी पर आधारित वो एक फिल्म लेकर आने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर जॉनी ब्राहन के वर्क फ्रंट की बात करें तो जॉनी ब्राहन की फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर 12 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली है, जिस फिल्म में वो एक स्पाई का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित होगी। बीते कुछ दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था और ट्रेलर को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और अब फिल्म का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन किया है रोबी ग्रेवाल और इस फिल्म में जॉनी ब्राहन के प्रोजेक्ट मौनी रॉय, जैकी श्रॉफ, सिकंदर खैर, सुचित्रा कृष्णा मूर्ति जैसे मुख्य किरदार फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे।